हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल जेस्ट। तो आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो सर्वेइंग सब्जेक्ट का है, टॉपिक वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल के बारे में पहले डिस्कस कर लें कि हमारे पास टाइप्स ऑफ स्केल्स को हम देख रहे थे। हमने प्लेन, डायगनल स्केल, श्रंक स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड्स एंड नेक्स्ट अब हमारे पास वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर स्केल के बारे में आप जानते हैं कि जैसा कि फिजिक्स में आपने पढ़ा था कि वर्नियर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है। 9th की फिजिक्स में आपने देखा था कि किस तरीके से हम उस पर मेजरमेंट करते हैं, और फिजिक्स की लैब में आपने उसको यूज़ भी किया होगा। अब यहाँ पे सर्वेइंग में भी यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हम सर्वे में इसको यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि वर्नियर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर एक्यूरेटली द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये डायग्राम है हमारे पास। ये जो है हमारे पास जो अपर पोर्शन है इसका, ये जो ड्रा किया हुआ है, ये मेन स्केल है। इसको हम क्या कहते हैं, मेन स्केल, या इसको हम सेकेंड वर्ड प्राइमरी स्केल भी कहते हैं। लास्ट सेकेंड में आप ये देख लीजिए, जो नीचे पार्ट है ये हम वर्नियर स्केल्स को कहते हैं। तो ये हमारे पास मेन स्केल, ये वर्नियर स्केल। अब क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट में, वर्नियर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर एक्यूरेटली द फ्रैक्शनल पार्ट। मीन्स ये कि हमें कोई भी नंबर मेजर करना है, कोई भी हमें नंबर मेजर करना है, तो हम उसको प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं। वर्नियर स्केल का जो फ़ायदा होता है वो ये कि हम उसको काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज मेजर कर सकते हैं। मीन्स ये कि ये देखिए, अब ये हमारे पास क्या है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इसी तरीके से 1 तक। यहाँ पे अगर आप देखें ऑन द मेन स्केल, अभी हम देख रहे हैं तो 1.1, 1.2, 1.3, तो ये चीज़ तो हमारे पास मेन स्केल में आ रही है। वर्नियर स्केल में क्या है कि हम उसको और ज़्यादा प्रिसाइज कर लेते हैं, जैसे 1.12, 1.15, 1.16। तो जब हमने सेकेंड डेसिमल के बाद 2 नंबर्स तक जाना है, इतनी प्रिसीजन हमें रिक्वायर्ड है, तो हम फिर वर्नियर स्केल का यूज़ करते हैं, और उसमें हमें प्रिसीजन काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। तो लेट सपोज के जैसे 2.36, 1.18, सो ये जो नंबर है 3.15, तो ये जो नंबर है, इस तरीके की जितनी भी हमारे पास प्रिसाइज नंबर है वो हम वर्नियर स्केल से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्नियर्स होते हैं, हम उसको भी देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ वर्नियर, वर्नियर स्केल की, वर्नियर की हमारे पास टाइप्स हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, पहली टाइप डायरेक्ट वर्नियर है, सेकेंड इज अवर रेट्रोग्रेड वर्नियर, थर्ड इज अवर डबल वर्नियर, और इसके साथ एक कॉन्सेप्ट है सिंगल वर्नियर। अब इन फर्स्ट टू को तो हम बाद में डिटेल में देखते हैं, अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं डबल वर्नियर सिंगल वर्नियर क्या होता है। सिंगल वर्नियर जैसा कि ये मैंने डायग्राम ड्रॉ की है, जिसमें ऑन द वन साइड, एक ही साइड पर ग्रेजुएशन है ऑन द मेन स्केल। ये हमारे पास मेन स्केल है, ये जो मार्किंग है इसको हम ग्रेजुएशन कहते हैं, मार्किंग को हम ग्रेजुएशन कहते हैं। तो एक ही साइड पर हमारे पास मेन स्केल में ग्रेजुएशन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल वर्नियर कहते हैं, सिंगल वर्नियर। और जैसा कि नाम से जाहिर है, डबल वर्नियर क्या होगा कि ग्रेजुएशन जो है ऑन द टू साइड होंगी। तो किस तरीके से होगा कि दो साइड पे ग्रेजुएशन है ऑन द मेन स्केल, एंड दे विल फॉर्म जीरो एट द सेंटर। मीन्स के सेंटर पे जीरो होगा, एक ग्रेजुएशन इस साइड पे होंगी, एक ग्रेजुएशन इस साइड पे होंगी, और दोनों, एक जो है हम क्लॉकवाइज मेजरमेंट के लिए यूज़ करेंगे और एक एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट के लिए यूज़ करेंगे। तो सिंपल सा अगर आपसे कोई पूछे कि डबल वर्नियर क्या होता है, तो इतनी डिटेल में ज़रूरत नहीं, बस आप ही बताइए कि डबल वर्नियर में ग्रेजुएशन जो है वो मेन स्केल की ऑन बोथ साइड होती है, और सिंगल वर्नियर में सिर्फ ऑन द मेन, सिर्फ एक साइड पे होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम डबल वर्नियर एंड सिंगल वर्नियर कॉन्सेप्ट कहते हैं। सो लेट्स सी फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आती है वर्नियर स्केल के अंदर, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल माइनस स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। यानी कि ये हमारे पास मेन स्केल है, तो इसकी जो भी स्मॉलेस्ट डिवीजन है माइनस स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला जो है हमने पहले भी पढ़ा था, आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, तो वो डायरेक्ट वर्नियर के केस में हम उसको रेशियो के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, रेशियो की फॉर्म में। तो वो भी हम देखते हैं डायरेक्ट वर्नियर में किस लिए होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए, लीस्ट काउंट जो है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड डिफरेंस स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम एक और टॉपिक देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर क्या होता है। ये देखिए, ये हमारे पास एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर, कि वर्नियर स्केल हमारा किस प्रिंसिपल पे एक्ट करता है। तो देखिए, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट आई कैन परसीव विद कंसिडरेबल प्रिसिजन व्हेन टू ग्रेजुएशंस कोइंसाइड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस वर्टिकल स्ट्रेट लाइन।
कहने का मतलब ये है कि ये वर्नियर उस प्रिंसिपल पे काम करता है कि हमारी आई जो है वो परसीव करे कि टू ग्रेजुएशंस मिलकर एक कंटिन्यूस वर्टिकल लाइन बना रही है, किस तरीके से कि ये हमारे पास मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, तो इन दोनों की ग्रेजुएशन मिलके हमारे पास एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बना रही है इस तरीके से कि जहाँ से ये मेन स्केल की ग्रेजुएशन है और ये हमारे पास वर्नियर स्केल की ग्रेजुएशन है। तो ये जब हमारे पास एक कंटिन्यूस वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बना रही है तो उस केस में हम ये कहते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर है। तो क्या है कि आपने 9th और 10th में भी देखा होगा कि जब भी हम वर्नियर यूज़ करते थे तो हम उसको इस तरीके से रीड करते थे कि जहाँ पर भी मेन स्केल और वर्नियर स्केल की लाइंस या ग्रेजुएशन आपस में कोइंसाइड करती हैं और एक स्ट्रेट लाइन बनाती हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, जो मार्किंग्स हैं ना इनको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं। तो ग्रेजुएशन जब भी एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बनाती हैं तो उसको जब हमारी आई परसीव कर सकती है तो उस बेस पर हमारा प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर एक्ट करता है, उस बेस में हम वर्नियर स्केल को रीड करते हैं। तो ये बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट अपने टाइप्स ऑफ वर्नियर की बात करते हैं। ये देखिए डायरेक्ट वर्नियर की हम बात करते हैं तो पहली जो चीज़ हमें समझनी है वो ये कि क्या क्या सिंबल्स से हम किसको डिनोट करते हैं। तो लेट सपोज एस इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, यानी कि ये हमारे पास मेन स्केल है तो इसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसको हम एस से डिनोट करते हैं। इसी तरह वी इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये जो हमारे पास बॉटम पे है ये वर्नियर स्केल है और उसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी फॉर वर्नियर। एंड नेक्स्ट एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, कि कितनी नंबर ऑफ डिवीजन हैं। डिवीजन्स क्या होती हैं कि दो ग्रेजुएशन के बीच जो स्पेस है उसको हम कहते हैं कि वर्नियर स्केल। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, कि वर्नियर स्केल पे कितनी डिवीजन है उसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो तीन पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले ये पॉइंट देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एन माइनस वन डिवीजन ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू एन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। यानी कि अगर हमारे पास डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितनी है, एन है, तो एन को जब हम वन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एन माइनस वन करेंगे तो हमारे पास मेन स्केल की डिवीजन आ जाएगी। लेट सपोज कि हमारे पास एक इस तरीके से ये एक हो गया, ये दो, ये तीन, ये चार, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है, मीन्स कि एन हमारे पास फोर है, ये हमारे पास वर्नियर स्केल की डिवीजन है। कितनी हमारे पास वर्नियर स्केल की डिवीजन, फोर है। तो मेन स्केल की डिवीजन अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो फोर माइनस वन थ्री, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा फोर माइनस वन थ्री, तो ये हमारे पास मेन स्केल की डिवीजन आ जाएगी, फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। तो ये लेट सपोज एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखिए, स्मॉलेस्ट डिवीजन वी ऑन वर्नियर इज शॉर्टर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन एन एस ऑन मेन स्केल। सो इस सेंटेंस का मतलब क्या है गाइस, कि स्मॉलेस्ट डिवीजन वी, फॉर एग्जाम्पल हम जहाँ पर काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास फाइव डिवीजन हैं वर्नियर स्केल पे, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये हमारे पास क्या है, एन इज इक्वल टू फाइव, मीन ये वर्नियर स्केल पे। अब फाइव वर्नियर स्केल पे है तो मेन स्केल पे कितनी हो जाएगी, चार, फाइव माइनस वन फोर। तो इसको इस तरह से देख लीजिए, एक दो तीन चार, ये हमारे पास एन माइनस वन इज इक्वल टू फोर हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि कहने का मतलब ये है कि जो वर्नियर स्केल की शॉर्टेस्ट डिवीजन स्मॉलेस्ट डिवीजन होगी वो छोटी होगी किससे, मेन स्केल की डिवीजन से। क्यों छोटी होगी, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए फाइव है, ये फाइव इसके इक्वलेंट है, फोर, फाइव जो है साइज में इसके इक्वलेंट बन रही है फोर, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो कि वर्नियर स्केल पे होगी वो थोड़ी छोटी होगी किसके, एज कम्पेयर टू द मेन स्केल, मीन्स इसका साइज इसके साइज से थोड़ा सा छोटा होगा, शॉर्टर होगा। तो ये मतलब है इस सेंटेंस का। नेक्स्ट देख लीजिए, इट एक्सटेंड्स इन द मेन डायरेक्शन एज दैट ऑफ मेन स्केल, के मेन स्केल और वर्नियर स्केल सेम डायरेक्शन में एक्सटेंड होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन मेन स्केल की ग्रेजुएशन की होती है वही डायरेक्शन वर्नियर स्केल की ग्रेजुएशन की भी होती है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं हमारे डायरेक्ट वर्नियर के। अब यहाँ पे हम इसके लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू एन माइनस वन डिवीजन ऑन मेन स्केल, जो कि अभी हम बात कर चुके हैं। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, लीस्ट काउंट ऑफ डायरेक्ट वर्नियर, लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप देख लीजिए कि सबसे पहले मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देता हूँ, एन। अब डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल को हमने क्या कहा था, इट इज वी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई वी, सो ये हमारे पास वी हो गया।
इज इक्वल टू एन माइनस वन, एन माइनस वन, और डिवीजन और मेन स्केल को हम एस से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई। सो क्या करते हैं, हम वी की इक्वेशन बना लेते हैं। वी को क्रिएट कर लीजिए, वी इज इक्वल टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन इंटू मल्टीप्लाई बाय एस। तो हमारे पास ये क्या आ गया, वी की एक इक्वेशन आ गई। अब देखिए, अब यहाँ पे समझने की चीज़ ये है कि हमने बात की थी लीस्ट काउंट क्या होता है, एस माइनस वी, मीन्स के डिवीजन ऑन द मेन स्केल माइनस डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। उसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या चीज़ है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एस माइनस वी। अब यहाँ पे देखिए, एस माइनस वी है जो हमारे पास वी की इक्वेशन आई है, इसको आप सिंपली यहाँ पे पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू एस माइनस एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन होल मल्टीप्लाई बाय एस। ये हमारे पास लीस्ट काउंट है। तो अब इस इक्वेशन को आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, एस बाय एन, एस बाय एन। तो ये क्या हो गया गाइज, ये हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ द डायरेक्ट वर्नियर के लिए फॉर्मूला आ गया, लीस्ट काउंट ऑफ द डायरेक्ट वर्नियर। अब यहाँ पे देख लीजिए, एस क्या है, हमने बात की थी वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल, यानी कि मेन स्केल की जो डिवीजन की वैल्यू है एक, वो डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है हमारे पास, एन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, के वर्नियर स्केल के ऊपर कितने नंबर ऑफ डिवीजन है। तो इस रेशियो को हम लीस्ट काउंट कहते हैं, इस रेशियो को हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो आज के लिए गैज इतना ही। हमने देखा कि डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है, सबसे पहले वर्नियर की टाइप्स क्या होती हैं, और फिर वर्नियर स्केल क्या होता है, मीन स्केल क्या होता है, डिवीजन क्या होती है, डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर क्या होता है। तो अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं तो काइंडली इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।